हेलो एवरीवन, तो यार कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे वर्ल्ड हिंदी। तो आज के इस वीडियो में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोरेमोन मूवी नोबिता एंड द गैलेक्सी सुपर एक्सप्रेस के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो करते हैं शुरू। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा सीन दिखता है जहाँ पर डोरेमोन और नोबिता जो है ट्रेन के अंदर जाते हैं, और वहाँ पर जो है 5 कमरे होते हैं एक बॉगी के अंदर। और डोरेमोन नोबिता को बोलता है कि तुम कोई भी कमरे में रह सकते हो। यानी डोरेमोन के इस वाले सीन से हमें पहले ही हिंट मिल जाता है कि डोरेमोन ने बाकी सबके लिए भी टिकट्स बुक किया था, जियान, सुनी और शिजुका के लिए। बाद में इस चीज का पता हमें चल जाता है जहाँ पर डोरेमोन खुद बोलता है, मैंने जियान, सुनी और शिजुका के लिए भी टिकट बुक किया है। आप लोगों ने इस चीज को तो नोटिस किया ही होगा, जब डोरेमोन एनीवेयर डोर को यूज करता है इस वाले सीन में, वहाँ पर जो उसका एनीवेयर डोर काम नहीं करता। और डोरेमोन वहाँ पे बोलता है बैरियर शैडो बैंड के वजह से एनीवेयर डोर जो है काम नहीं कर रहा, और मेरा कोई भी गैजेट काम नहीं करने वाला। ठीक उसी सीन के बाद हमें ये दिखाया जाता है डोरेमोन अपने कई सारे गैजेट्स का यूज करता है, जैसे बैम्बू कॉप्टर और पास थ्रू हुक। और आखिर कैसे, अगर आपको पता है इसके बारे में तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर से जरूर बताना। आप लोगों ने इस वाले कैरेक्टर को तो जरूर से देखा होगा इस मूवी के अंदर, और आप लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ पता ही होगा। एज अ इस कैरेक्टर को हम लोगों ने अब तक कई सारे एनिमे के अंदर देखा है, निंजा हथौड़ी के अंदर ये केनिची के सर है, अल्ट्रा बी के अंदर ये मिचियो के डैड है, और आप लोगों ने ना जाने और कितने सारे एपिसोड में और ना जाने कितने सारे एनिमे शो के अंदर इन कैरेक्टर को हम लोगों ने देखा है एज अ नूडल ईटर। जापानीज में इस चीज को रेमन कहा जाता है। वैसे हम लोगों ने इस चीज का रेफरेंस हम लोगों ने डोरेमोन के इस वाले मूवी में देखा है, जहाँ पर ये रेमन खाते हुए दिखाए गए है। इस मूवी के अंदर निंजा हथौड़ी का रेफरेंस है, जिसे कि हर किसी ने नोटिस तो किया ही होगा, जहाँ पर जो है जियान हथौड़ी के जैसे कपड़ा पहनता है और सुनियो शिंजो की तरह कपड़ा पहनता है। इस मूवी के अंदर जो कई सारे डेलिकेट सीन हैं, जिनको कि हमारे इंडियन स्क्रीन से हटा दिया गया है, जिसको कि आप लाइन बाय लाइन देख भी सकते हो। तो इस वाले सीन में आप लोगों ने ये चीज तो जरूर से जरूर देखा होगा कि इन लोगों के ट्रेन से जो है फ्यूल खत्म हो जाता है, यानी पेट्रोल खत्म हो जाता है। और कैसे होता है ये तो आप सभी को पता ही है, पर जब पेट्रोल खत्म होने के बाद वो किसी अनजान ग्रह पर आके गिरते हैं, तभी उनके ट्रेन में जरा सा भी पेट्रोल नहीं होता, इसी वजह से वो अनजान ग्रह पर आके गिर जाते हैं। पर जब वो लोग इस ग्रह से निकलते हैं तो अचानक उनके ट्रेन में पेट्रोल क्यों आ जाता है, तब तो शायद डोरेमोन भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो अपना गैजेट यूज ही नहीं कर पा रहा था। आखिर सवाल ये है कि ट्रेन में पेट्रोल कैसे आया, इसलिए मेरे पास एक थियरी है। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करना, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। थियरी के अकॉर्डिंग जो ट्रेन जियान ने ढूंढा था उस गुफा के अंदर से, उस ट्रेन में शायद कुछ पेट्रोल बचे हो, जिस वजह से वो लोग उस ट्रेन से पेट्रोल निकाल के इस ट्रेन में डाले, इसलिए मेरे ख्याल से शायद वो लोग इस ट्रेन को ढूंढ रहे होते। सवाल ये आता है, जो ट्रेन जियान ढूंढता है उससे वो बाहर निकलता है अपने निंजा टेक्निक के थ्रू, पर उस वाले गुरुजी ने तो ये कहा था कि ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो निंजास की पावर है, ये तुम लोगों के पास सिर्फ टेम्पररी रहेगी। और काफी टाइम तक जियान जो है उस निंजा के पावर्स को यूज करता है, और इसी वजह से वो इस वाले सिचुएशन से बचा था। मूवी के एंड में हमें काफी इंटरेस्टिंग सी चीज पता चलती है, जो ये 3 बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सुनियो, शिजुका और जियान के जैसे दिखते हैं, वो दरअसल इनके आने वाली पीढ़ी है, हमारे जियान, सुनियो, शिजुका की आने वाली पीढ़ी है। आप लोगों ने इस चीज को तो नोटिस किया ही होगा, यहाँ पर जो एक जियान जैसा लड़का होता है, शिजुका जैसी लड़की होती है और सुनियो जैसा लड़का होता है, पर यहाँ पे जो नोबिता जैसा लड़का नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता, वीडियो को एंड तक देखो, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। और उससे पहले अगर आपको नहीं पता होगा तो ये जो ड्रीमर्स लैंड होता है, ये जो लड़का जो सुनियो जैसा दिखता है, तो उसी का फादर का होता है ड्रीमर्स लैंड। यानी आप ये तो समझ ही सकते हो, सुनियो जैसे मूवी के स्टार्टिंग में टिकट दिखा के नोबिता को नहीं ले जा रहा था, सिर्फ शिजुका और जियान को ही लेके जा रहा था, इसलिए ये लोगों के साथ भी एक ऐसा नोबिता जैसा लड़का होगा, जिसको कि सुनियो जो है अपने साथ नहीं लेकर आया। जो है ये जो सुनियो जैसा लड़का, जो सुनियो जैसा दिखता है, ये नोबिता जैसे लड़के को नहीं लेकर आया इस ड्रीमर्स वाले लैंड में। शायद आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको आपका वीडियो पसंद आया
कुछ भी जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।